पहाड़गढ़ के जंगलों में डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह को तलाश कर रही पुलिस की टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुड्डा गुर्जर के दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल 22 सितंबर को पहाड़गढ़ के जंगलों में पुलिस और डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर डकैत गुड्डा गुर्जर अपने साथियों के साथ भागने में सफल हो गया था, लेकिन मुरैना पुलिस लगातार पहाड़गढ़ के जंगलों में डकैत गुड्डा गुर्जर की तलाश कर रही थी। लगातार जंगल में सर्चिंग कर रही पुलिस को सफलता भी मिल गई। पुलिस ने शनिवार को पहाड़गढ़ के जंगलों से डकैत गुड्डा गुर्जर के दो साथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों साथियों के नाम संजय गुर्जर और गजेंद्र गुर्जर बताए गए हैं। मुरैना पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों से हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इन्हें निमंत्रण दिया था क्या? भोजन पर निमंत्रण इन्हें दिया था? आया नहीं उन्होंने? दो दर्जन से ज्यादा पत्रकार हैं, क्या करें? सुनिए बाबा, हो गया, चलो चलो उन्होंने मोबाइल लिया। तुम लाए हो? सर 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 बैठो, ना बता ले, बैठ जा तुम। नहीं भाई जी, हो गया कराएंगे और तू जा यार, तुम बात बात नहीं। देखिए, जैसा कि बताया था हमने कि 22 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि करीब जो है 10:30-11 के करीब में गुड्डा पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र से में एक पर्टिकुलर जगह है तिंदौर वाले हनुमान जी के पास से, वहाँ से निकलेगा। उस पर जो है एम्बुश लगाया गया था। तीन टीम बनाई गई थी। पहली टीम कैलाश TI के मार्गदर्शन में थी, दूसरी टीम पहाड़गढ़ TI धर्मेंद्र कौर के निर्देशन में थी, और तीसरी टीम सचिन पटेल साइबर की, और उनकी पूरी टीम थी। इसके बाद गुड्डा वहां से आया, और जब उन्होंने पूरी तस्दीक कर लिया तो उन्होंने ललकारा गुड्डा को सेटल करने के लिए, लेकिन गुड्डा ने फायर किया पुलिस पर। जवाब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन चूँकि रात का समय था और जो है ज़्यादा कैजुअलिटी होने की संभावना थी, तो उस समय पे जो है पुलिस ने जितना प्रॉम्प्टली एक्ट कर सकती थी पुलिस ने किया, लेकिन किसी तरीके से वो अपनी जान बचा करके भागने में सफल रहा। और इसके बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया, और लगातार सर्चिंग अभियान चला लंबे समय तक, और उसमें दो जो इसके साथी हैं, दो साथी पकड़ में आए हैं। उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं पुलिस के पास में, जिसमें कि वो गुड्डा से क्लोजली जो है उस दिन जो जितनी घटनाएं हुई हैं उनमें गुड्डा के साथ में रहे। पुलिस के साथ में जिस दिन मुठभेड़ हुई उसमें भी गुड्डा के साथ में थी। तो वो दो आरोपी, पहला इसमें एक संजय गुर्जर है जो कि परवासन का रहने वाला है, और दूसरा जो है गजेंद्र गुर्जर है, इनको पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। और इनके साथ में जो हथियार हैं वो हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुछ जो खोखे वहाँ से मौके से मिले हैं, करीब 10 खोखे वहाँ से मौके से पुलिस ने कलेक्ट किए थे, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, और इनको हम FSL जांच के लिए भी भेजेंगे, जिसमें कि ये पुष्टि हो पाए कि ये जो है खोखे उन्हीं बंदूकों से चलाए गए। इसमें जो गुड्डा गुर्जर है, गुड्डा गुर्जर पे तो 60,000 का इनाम है, और इनाम बढ़ाने का प्रतिवेदन हमने भेजा है ऊपर, बाकी इन पर 10,000 रुपये का इनाम। सर, इनकी जो सदस्य हैं इसमें क्या होता है, अभी जो एक ट्रेंड देखने में है कि कुछ जो नए लड़के जिनका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो गुड्डा के साथ कुछ लोग शामिल हुए थे, और यही उसका इसी का वो कवर भी इसी का लेता है, क्योंकि जब भी पुलिस फायर करती है तो वो इन्हीं लोगों को आगे करता है जिनका कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिनका कि कोई ज़्यादा इनाम नहीं होता उन पर, ताकि यदि पुलिस मारे तो पुलिस पर जो है ब्लेम आए उस पर, और उसको लेकर के एक हंगामा खड़ा किया जा सके। तो वो इसी को वो ढाल के तौर पर यूज़ करता है और बीच बीच में बनाता है, लेकिन जब भी पुलिस उसकी सक्रियता बढ़ती है तो पुलिस उसको नेकडाउन भी करती है। और आपने देखा कि ये जो मुठभेड़ है वो पुलिस की सक्रियता का ही परिणाम थी, और ये जो उसके गैंग के सदस्य पकड़े गए ये पुलिस की जो सक्रियता का ही परिणाम है, कि यदि उसने एक बार सर उठाने का प्रयास किया तो उसको डाउन किया है पुलिस ने। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हमने बताया इसमें कि कई बार तो मतलब वो ऐसे लोगों का जो है बैकअप लेता है जिनके खिलाफ अपराध नहीं होते, तो पुलिस कभी एकदम से ओपन फायर करने में पुलिस को भी रिस्क होता है। दूसरी बात यह है कि जो गुड्डा है, गुड्डा को आजीवन कारावास की सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा है, और वो निश्चित तौर पे उसको ये बात पता है कि यदि यदि पुलिस के पास यदि एक बार पकड़ में आएगा तो उसको जो है आज ज़िंदगी भर अब जेल में ही रहना है। तो वो फिर किसी भी हद तक जाता है, और कुछ भी जो
कोशिश करनी चाहिए, जो कैजुअलिटी करनी चाहिए उसकी तरफ आमादा होता है, लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर हम लोगों को भी अपनी सुरक्षा और साथ में जो ऐसा कोई चीज़ नहीं करनी होती जिससे कि कानून का उल्लंघन हो, लेकिन उसके पास कोई ऐसा दायरा नहीं है जिसमें कानून का उल्लंघन करे, तो इस कारण भी कई बार जो है वो बच के निकला है। लेकिन टीम हमारी सक्रिय है और आपने देखा कि जैसे ये इसके गैंग के ये सक्रिय सदस्य थे दो, संजय और गजेंद्र, इनको पुलिस ने पकड़ा है, बहुत जल्दी गुंडा को भी हम लोग पकड़ेंगे। कुछ ग्रामीणों ने बात की थी।